ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवाल है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवाल एक हिंदू मंदिर का पार्ट है, जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये एसआई फाइंडिंग। उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे। फिजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की मैं आपके सामने एएसआई ने जो ब्रीफ फाइंडिंग दी है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डेटेड 21 जुलाई एंड इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट, एएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर नोटिस ड्यूरिंग द एएसआई सर्वे इन कॉम्प्लेक्स वर ड्यूरी डॉक्यूमेंटेड, मतलब जितनी चीजें एएसआई ने वहां पे की सबको डॉक्यूमेंट किया है। दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स, पॉटरी एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेरिकोटा, स्टोन, मेटल्स एंड ग्लास, ऑब्जेक्ट विच वर रिक्वायर्ड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वर ट्रीटेड एट द साइट इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 13 सितंबर, दीज ऑब्जेक्ट्स वर हैंडेड ओवर टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि एएसआई के सर्वे में जितनी चीजें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सर्वे ऑपरेशंस वर कैरिड आउट केयरफुली, एंश्योरिंग दैट ड्यूरिंग ऑल दीज ऑपरेशंस नो डैमेज इज कॉज टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल इंडिकेटेड अ स्मॉल स्किन होल टाइप कैविटी इन द फ्लोर एट 1-2 m डेप्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ डोर, अ स्टीप एंड डीप नैरो कैविटी एडजेसेंट टू द सेंट्रल हॉल पैसेज एंड द फ्लोर हैविंग अ लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ मोर्टार बेड थिकनेस, द प्रेजेंस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रेवल फिल पैसेज एकिन टू अ साइड ओपनिंग डोर्स टुवर्ड द साउथ इज ऑब्जर्व एट अ डेप्थ ऑफ 46 m एट द बेसमेंट लेवल इन साउथ कॉरिडोर, अ सिमिलर ओपनिंग एट द शैलोअर लेवल डाउन टू 3 m इज ऑब्जर्व इन द नॉर्थ कॉरिडोर नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ हॉल एंड वेस्ट ऑफ द सेलर, रोज ऑफ 3-4 m वाइड सेलर्स आर ऑब्जर्व एडजेसेंट टू द कॉरिडोर एरिया एंड 2 m वाइड वेल इज कंसील्ड इन सेलर S1। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4 m में जो वाइट सेलर्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशन ऑन दी सेंट्रल चेंबर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया।